ओम नमः शिवाय, क्या आप भी छोटे लोटे से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं? तो जो छोटे लोटे से या जिस लोटे का मुंह छोटा हो, ऐसे लोटे से हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, तो इससे हम हर एक बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। एक छोटे मुंह वाले लोटे से भगवान शिव को जल चढ़ाने से समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर वो लोटा तांबे का हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि तांबे के लोटे से भगवान शंकर को दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं। शास्त्र कहता है कि तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पूत छीण हो जाता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर आपको शंकर भगवान को दूध चढ़ाना ही है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, लेकिन तांबे के लोटे को छोड़कर आप किसी भी पात्र से शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं।